सो गाइज़, क्या आप भी अपनी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो? तो गाइज़, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइज़ इस वीडियो में भी मैं यही बात करूँगा कि कैसे अपने इंस्टाग्राम पे रियल फॉलोअर्स लाएँ, क्योंकि गाइज़ रियल ही आपको बेनिफिट करेंगे एंड फेक नहीं करेंगे। इसका रीज़न मैं अभी आपको आगे बताता हूँ क्यों। तो गाइज़, मेरा नाम है पीयूष जैन। गाइज़ आते हैं सिंपली मेन पॉइंट पे। पहले तो गाइज़ मैं बात कर लेता हूँ, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हमारे को सिंपली एक क्लिक पे सारे फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स मिल जाएँ। तो गाइज इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप ऐसी कोई सर्विस ले भी लेते हो, क्योंकि ऐसी काफ़ी सर्विस मार्केट में अवेलेबल हैं एंड इंस्टाग्राम इसको बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करता कि अगर आप अगर कभी भी किसी भी ऐसी सर्विस से जुड़े होते हो तो आपका वो अकाउंट भी फ्रीज कर सकता है, मतलब ब्लॉक कर सकता है सिंपली। तो कभी भी आपको फेक फॉलोअर्स नहीं लेने, क्योंकि क्या होगा अगर फेक फॉलोअर्स एक बार ही आ भी गए आपके अकाउंट पर, क्योंकि गाइज आ जाते हैं, लेकिन अगर आ गए एक बार ही आ गए अगर इंस्टाग्राम को पता चल गया तो एक तो पहले वो आपका अकाउंट ब्लॉक करेगा सिंपली, पहले अगर उसको पता चल गया। और गाइस अगर नहीं भी पता चला तो क्या होगा, अगर आपके फेक फॉलोअर जो होंगे वो आपकी जो पोस्ट डालोगे, आप जो कुछ भी डालोगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। एंड गाइस रिस्पॉन्स अगर आपकी इंस्टाग्राम पे नहीं आएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे फॉलोअर्स का, क्योंकि गाइज़ पब्लिक वही है जो आपको जानती है। अगर वो आपके ऑडियंस ही आपको नहीं जानती जिस पे आपके फॉलोअर्स हैं, तो गाइज़ आपका कोई बेनिफिट ही नहीं है, उसको कोई देखेगा ही नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो गाइज इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है हमें, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। गाइज़ अब मेरा भी इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ मेरे को भी फॉलो कर लो एंड वहाँ पर भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टिप्स डालता रहता हूँ, तो जाओ मेरे को भी फॉलो कर लो वहाँ पर। तो सिंपली गाइज मैं पहले ये बता देता हूँ कि कैसे आएंगे आप फॉलोअर्स। तो गाइज पहले ये चीज़ करनी है आपको, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर फॉलोअर्स चाहिए तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम पे क्या करना है, सिंपली डेली पोस्ट डालनी है, एटलीस्ट 5 डालो, एटलीस्ट 5 तो डाल ही दो। अगर आप स्टार्टिंग में ऐसे एज अ फॉलोअर चाहते हो, अच्छे अगर रीच चाहते हो, तो एटलीस्ट कम से कम 5 पोस्ट डेली के डालो। और गाइज 5 पोस्ट भी जो डालोगे उसमें एक चीज़ करनी है, क्वालिटी कंटेंट की हमेशा अच्छी रखनी है। अगर आप पोस्ट डाल रहे हो तो क्वालिटी अच्छी रखनी है, उसकी इमेज डाल रहे हो तो उसकी अच्छी रखना, वीडियो डाल रहे हो तो उसकी अच्छी रखना। कंटेंट हमेशा इंटरेस्टिंग होना चाहिए गाइज, आपका नॉलेजेबल होना चाहिए। अगर नॉलेजेबल है तो ठीक है, इंटरेस्टिंग है तो ठीक है, एंटरटेनिंग हो तो अच्छी बात है, मतलब ऐसा कोई ऐसा जो कि लोगों को पसंद आए गाइज, क्योंकि काफ़ी लोग कुछ भी डाल देते हैं एंड कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ को देखने का, तो कोई देखेगा नहीं एंड कोई बेनिफिट नहीं है। सो सिंपली अच्छी पोस्ट डालनी है, वीडियोस भी शेयर करना गाइस। काफ़ी लोग क्या करते हैं, खाली इमेज पोस्ट करते हैं एंड वीडियो शेयर नहीं करते, तो ये चीज़ भी करनी है आपको। तो वीडियोस भी शेयर करना, वीडियोस से मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है एंड काफ़ी अच्छी खासे रीच जाती है वीडियोस पे, काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं वीडियोस को देख के ज़्यादा, क्योंकि गाइस वीडियो से देख के काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, वो उसको देख के उनको इंटरेस्ट आता है वीडियोस में जितना उनको इमेज में नहीं आता। तो सिंपली गाइज वीडियोस ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो वीडियोस भी आपने डेली डालनी है, स्टोरी डालो रोज डेली लाइव, मतलब डेली उस पर अटैच रहो अपने अकाउंट से, मतलब डेली उसको डालते रहो, कुछ ना कुछ डालते रहो, कभी स्टोरी पे शेयर करते रहो, कभी फीड पे शेयर करते रहो। सो गाइज आपको मेनली करना यही है कि सिंपली अपने अकाउंट पे ज़्यादा अवेलेबल रहना, सिंपल। देन गाइज सेकंड चीज़, काफ़ी लोग हैशटैग डालते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने ये चीज़ गाइज बहुत ज़्यादा देखी है कि काफ़ी लोग हैशटैग भर देते हैं 100, 150, 200। क्या होता है गाइज, उससे क्या होता है इंस्टाग्राम गाइज आपकी रीच घटा देता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हैशटैग हमेशा यूज़ करो, सिंपली 10 कर सकते हो मैक्सिमम, 10 करना, इससे ज़्यादा मत करना, 9, 8, 7 बहुत होते हैं गाइज। मैं अभी 10 यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पहले उल्टा मैं 5 ही करता था, बट मैं अब 10 करता हूँ क्योंकि 10 से अच्छी रीच आ जाती है। तो गाइज आप 10 कर सकते हो, तो सिंपली 10 यूज़ करो, उससे क्या होगा इंस्टाग्राम आपकी रीच घटाएगा नहीं। क्योंकि क्या होता है गाइस, काफ़ी लोग सोचते हैं हम हैशटैग ही हैशटैग डाल दें एंड सारी हमारे जो भी हैशटैग को लोग फॉलो कर रहे हैं उस पर उनकी पोस्ट चली जाएगी। गाइस ऐसा नहीं होगा, इंस्टाग्राम आपकी रीच घटा देगा उल्टा बढ़ाने के बजाय। सो ये चीज़ का गाइस आप ध्यान रखना है, आपने हमेशा 10 हैशटैग यूज़ करने हैं सिंपली। एक तो आप अपने बिजनेस नेम का यूज़ कर सकते हो, या कंपनी नेम का यूज़ कर सकते हो, या अपना पर्सनल नेम का यूज़ कर सकते हो, जिससे उस हैशटैग से आप ही का सारा चीज़ दिखे। तो गाइस ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने एक हैशटैग तो हमेशा वो यूज़ करना है, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई आपको ढूंढ रहा हो तो वो उस नाम से आपको मिल जाए, उससे कि अगर वो एक नाम पॉपुलर होना चाहिए जिस नाम से अगर आपको वो ढूंढ रहा है तो उस नाम से आपकी पोस्ट पर सारी पोस्ट आपकी होनी चाहिए, ताकि
उस पर्सन को वो चीज़ मिल जाए जो चीज़ वो ढूंढ रहा है। अगर आपका आपका कंटेंट ढूंढ रहा है वो, तो उस नाम से, आपके नाम से ही वो मिल जाए, या कंपनी नेम, बिजनेस नेम से मिल जाए। तो सिंपली गाइस, हैशटैग हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट करता है इस चीज़ में, कि आप हैशटैग भी अच्छे यूज़ करो एंड ये चीज़ करो। गाइस फोर्थ चीज़, आप IGTV यूज़ करो। काफ़ी लोग छोटी छोटी वीडियोज़ डालते हैं, वो ज़्यादा लोगों को कम अट्रैक्ट करती है, या थोड़ी बड़ी बड़ी वीडियो डालोगे तो काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। काफ़ी काफ़ी अच्छा कंटेंट अगर आपका होगा तो लोग अपने आप फॉलो कर लेते हैं। तो गाइस यही थोड़ी बहुत मेरी टिप्स थी। एंड गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को यार एक लाइक मार दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।